क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में डाउट आया है, मार्च 12th में इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन द बैंक बैलेंस, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमारा बैंक बैलेंस है फेवरेबल, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमारी इनकम है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ये माइंड में सोचनी है, जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये माइंड में सोचना है। अब कैश इफेक्ट हो रहा है या बैंक, बैंक डेबिट हो रहा है मार्च 12th टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक कॉलम में आ जाएंगे पैसे, कितने पैसे आए, 1200। कोई भी डाउट, क्लियर है आपका डाउट, इजी, वो आपको क्या लगा, चार्ज कर रहे हैं या दे रहे हैं क्या, ठीक है चलो नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर सिक्स में, जून 6, और कुछ, ठीक है, चेक रिसीव्ड एज एन एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू द बैंक, पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है डिपॉजिटेड इन द बैंक, चेक रिसीव्ड एज एन एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू द बैंक, इससे पहले कोई कहानी इसकी नहीं है, हमने किसी से कोई एडवांस रिसीव करा है, हमने किसी से कोई एडवांस रिसीव करा है कि भाई साहब ये लो एडवांस, आप ये सामान मंथ एंड तक डिलीवर कर देना, कुछ भी, हमें क्या पता क्या बात हुई इनकी आपस में, बट ये क्लियरली है कि एक चेक मिला है एडवांस के अगेंस्ट पेड इन टू द बैंक, मतलब डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो हमने डिपॉजिट कर दिया है, पेड इन टू बैंक, पेड इन टू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो बैंक में डिपॉजिट करा है, अब माइंड में ही सोचना है क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एडवांस आया है, अभी सामान बिका नहीं है तो सेल्स क्रेडिट नहीं कर सकते, क्या लिखते हैं हम उस केस में, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, इज इट एन इनकम और अ लाइबिलिटी, इट इज अ लाइबिलिटी, ठीक है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, कैश बुक के लिए सिंपल है, डेबिट साइड पे जून 6 टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, किस कॉलम में आ जाएगा, बैंक कॉलम में 50,000, क्लियर है, एडवांस अगेंस्ट सेल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, बात सेम है, ज्यादा कॉमनली यूज्ड अकाउंट है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है ना, क्लियर, और इस क्वेश्चन में कोई डाउट, ठीक है, लास्ट होमवर्क के डाउट्स डिस्कस हो रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चों ने तो होमवर्क करा नहीं होगा, ऑनलाइन करा है किसी ने होमवर्क, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस, करा है सर, हाँ बेटा तूने तो जरूर करा होगा, सर करा है सर, फोटो भेज दे ग्रुप ठीक है पे, सर, ठीक है ना, यस चल सर, 9th में क्या डाउट है, अप्रैल 14th, 26th, 30th, क्वेश्चन 9 में किसी और पार्ट में डाउट, ठीक है, और कोई डाउट, प्रथम करा बेटा आपने, बैलेंस हो गया आपका, दूसरा वाला यस थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखेंगे प्लीज, आपने करा है, बैलेंस्ड है, तो आपका कौन सा डाउट है, चलो ध्यान से देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू नीरज ऑफ ₹25,000, रिसीव्ड कैश 10,000 एंड द बैलेंस बाय चेक, अलाउड डिस्काउंट 500, गुड्स टू नीरज, ये गुड्स की वैल्यू है, 25,000 क्या है, गुड्स की वैल्यू है, तो अगर वर्किंग पे आए हम, ध्यान से देखेंगे प्लीज, अप्रैल 26, 14, सोल्ड गुड्स टू नीरज 25,000,
क्या इसमें कैश डिस्काउंट है ना? ठीक है, तो सेल्स कितनी है? 25,000। डिस्काउंट कितना है? 500। तो पैसे डिस्काउंट है ना 500, तो आपको मिले कितने होंगे? 24,500। तो उसमें से कैश कितना है? 10,000। तो ये इम्प्लाइड है कि चेक का बैलेंस क्या होगा? 14,500। सोल्ड गुड्स टू नीरज ऑफ 25,000। तो हमें लैंग्वेज बचाएगी कि सर 25,000 रुपये मिल रहे थे, यहाँ 25,000 का सामान था, गुड्स की वैल्यू है 25,000, 500 का तो आपने डिस्काउंट दिया है, तो 24,500 ही आने होंगे। रिसीव्ड कैश एंड बैलेंस बाय चेक। अब ध्यान से देखना प्लीज, कैश बुक में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी चेक आया आपके पास, तो आपको ये देखना है कि ये चेक डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा सर? आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे, आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे। परचेज फर्नीचर बाय चेक अलग ट्रांजैक्शन, सोल्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश अलग है, पेड इन टू बैंक चेक ऑफ नीरज अलोंग विद 2,500। तो फंस जाते हम ऊपर अगर आगे ना पढ़ते, तो सर हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि कहां तक क्वेश्चन पढ़ना है? तो यही तो ध्यान देना है कि अगर चेक रिसीव हुआ है और उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि वो डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, तो आगे जितना क्वेश्चन बचा है पूरा क्वेश्चन पढ़ो। उसके आगे भी कुछ मेंशन नहीं है चेक के बारे में, तो अज्यूम किया जाएगा कि जिस दिन चेक मिला था उस दिन डिपॉजिट हो गया होगा। बात समझ आ रही है? आंख बंद करके एंट्री मत पास कर देना, अनटाइडी हो जाएगा, बाद में काटना पड़ेगा, और कटिंग के बाद फिर काफी चांसेस होते हैं कि ओवरराइटिंग में एरर हो जाते हैं, एरर हो जाते। पॉइंट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, स्पेशली व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड एंड डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट आर नॉट गिवन। तो आगे पढ़े, यहाँ गिवन थी ना, अब ये इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गई। तो अब क्या हुआ, ये चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम कैश बुक में दिखाएंगे ना, जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो कैश मिला वो कैश में, जो चेक मिला चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है। चेक्स इन हैंड डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू सेल्स। सर नीरज नहीं आएगा? सेम डे सब कुछ हो गया, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन थोड़ी ना थी। तो 25,000 की सेल्स हैं, कैश मिला 10,000, 14,500 का चेक है, 500 डिस्काउंट है। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में सिर्फ कैश इन्वॉल्व है, ये एंट्री जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इस पूरी एंट्री में सिर्फ कैश इन्वॉल्व है। कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्या डेट है? अप्रैल 14, अप्रैल 14 टू सेल्स अकाउंट, कैश में क्या आ जाएगा? 10,000 और कुछ भी नहीं। क्लियर? अब जब ये चेक डिपॉजिट हुआ, अब अप्रैल 20 आपका तो डाउट नहीं था, लेकिन ये इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गई ना, तो इट विल बी अ डाउट। अप्रैल 20, तो जो चेक था हमारे पास 14,500 का, वो अब डिपॉजिट हुआ है अलोंग विद कैश ऑफ 2,500। तो कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दैट विल बी अ कॉन्ट्रा एंट्री, एंड चेक इज ऑल्सो डिपॉजिटेड अप्रैल 20। अप्रैल 20 ध्यान से देखेंगे, दो ट्रांजेक्शन है अप्रैल 20 को, एक तो बैंक टू चेक्स इन हैंड कितने का? 14,500, और सेम डे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो फोलियो में कॉन्ट्रा आएगा, कैश कितना डिपॉजिट किया? 2,500। तो साइमल्टेनियसली यहां पे भी आ जाएगा आपका अप्रैल 20 बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश कट गया 2,500, कैश कट गया 2,500। कोई भी डाउट? अब हमने पेमेंट करी है सुमन को चेक से, तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी? हमने पेमेंट करी है, सुमन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सब ये क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि आपका डाउट है अगला अप्रैल 26 सुमन्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, तो पहले पता तो होना चाहिए सुमन है कौन। तो सुमन्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड कुछ हो गया आपसे, ओवरराइटिंग हो गई, साइन गलत जल्दबाजी में गलत हो गए, ड्यू टू व्हाटएवर रीजन चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया एंड एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट, आपसे चेक डिसऑनर हो गया, आपने कैश में पेमेंट कर दी उस बंदे को, दो अलग ट्रांजैक्शन है, दो अलग ट्रांजैक्शन है। पहले चेक डिसऑनर होगा, चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, इसी की रिवर्स, इसी की रिवर्स क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सुमन। तो ये तो आप अप्रैल 22, ये आप अप्रैल 22 को ऑलरेडी कैशबुक में दिखा चुके होंगे, ठीक है ना, सुमन टू बैंक, ये आएगी अब, दिस इज अप्रैल 26 बैंक टू सुमन। तो यहाँ पे अप्रैल 26, प्लीज मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, सो कैशबुक में सिर्फ उतनी एंट्रीज आएंगी जो आपके डाउट्स हैं, आपको कंप्लीट करना है उसको। तो बैंक टू सुमन कितने का चेक था, 2500, चेक तो रिवर्स हो गया। इसके बाद क्या होगा कि पेमेंट जो थी ना सुमन की, वो हमने कैश में सेटल कर दी, तो उसकी एंट्री अलग है, सुमन टू कैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सुमन कितना, 2500, क्लियर, ठीक है। बैंक चार्ज फॉर बैंक बाउंसिंग चार्जेस, चेक बाउंस हुआ है, चार्जेस है, बैंक चार्जेस टू बैंक, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक चार्जेस टू बैंक, ये एंट्रीज आपको माइंड में सोचनी है, बैंक चार्जेस टू बैंक। कैशबुक में कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, कर लेंगे अपने आप। नेक्स्ट डाउट है आपका अप्रैल 30, निगम पेड इन टू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे, निगम कौन है सर, हमने पैसे लेने होंगे किसी से, हमने किसी से पैसे लेने थे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी फीस देनी है, आपने डायरेक्टली मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दी, बता दिया मुझे कि सर आपकी फीस हमने बैंक में डिपॉजिट कर दी है। एक होता है कि आपने मुझे चेक दिया, एक होता है कि आपने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया मेरे अकाउंट में, तो आपने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए और मुझे बता दिया, कौन है जी, ये निगम है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू निगम, कोई निगम की कहानी आगे पीछे कुछ नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू निगम अप्रैल 30। कितने डाले बैंक में, 5000, ₹5000, क्लियर। इंटीमेशन मतलब देखो, एक होता है कि मेरे बैंक में डाल दिए और मुझे पता ही नहीं, तो मैं एंट्री कैसे पास कर सकता हूँ, इंटीमेशन मतलब इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन मतलब इंफॉर्मेशन। अज्यूम कर रहे हैं कि हम बाबा आदम के जमाने में हैं, हमें बैंक से कोई SMS और इंफॉर्मेशन नहीं आती है। नॉर्मली अब तो क्या होता है, बैंक ट्रांसफर होता है तो SMS आता है, और कभी कभी होता है ना इंटीमेशन कि आपने मुझे फीस दी, स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो दैट इज एन इंटीमेशन, दैट इज एन इंटीमेशन कि सर फीस ट्रांसफर कर दी है, दोबारा परेशान ना करें हमें, तो इंटीमेशन, क्लियर। क्वेश्चन 9, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस करें, डाउट्स ऑफ 5th, 8th एंड 5th, 6th एंड 9th, एक बार पहले इतना रीड कर ले, ठीक है ना।